नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। फरीदाबाद में प्रदेश भाजपा द्वारा सूरजकुंड में 15 से 17 जुलाई होने वाले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ विधायक सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बारे में विस्तार से बताया गया। 15, 16, 17 को सूरजकुंड में आयोजन किया गया है और उसमें जो सरकार और संगठन के बीच जो कार्य किए हैं उससे मंथन होगा। एक एक बात पर मंथन होगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, किस चीज़ का विचार हो, इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी पदाधिकारी इसमें रहेंगे। और इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, ये संतोष जी संगठन मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं सभी, इसमें शेखावत जी हैं, सभी लोग इसमें आ रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे और जो विशेष जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाए। पूरे यूपी को हरा भरा करने के मकसद से भले ही सरकार ने साल 2022 में लाखों वृक्षारोपण लगाने का जिला बिजनौर को टारगेट दिया हो, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी हाल ही में राज्य मंत्री की देखरेख में वन विभाग की जमीन में लाखों पेड़ लगा दिए गए, लेकिन वन विभाग के अफसरों की लापरवाही की वजह से पेड़ सूखते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिजनौर से सटे रामपुर ठाकरा में वन विभाग की 15 हेक्टेयर जमीन में 5 जुलाई को यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की देखरेख 16,500 पौधे लगाए गए थे। हालांकि इस स्थान को प्रशासन की तरफ से दुष्यंत वन नाम भी दिया गया था। 5 जुलाई को लगे हजारों पेड़ों को पानी न मिलने की वजह से ज्यादातर लगाए गए पेड़ सूखते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जहां पे वन विभाग प्लांटेशन किया है अपने जंगलों में, वहां पे हम लोगों ने या तो बोरिंग का व्यवस्था कर रखा है या टैंकर से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं, और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग पौधरोपण किए हैं तो उनसे हमारा अपील ये है कि वो अपने पौधों को समय समय पर पानी देते रहें जब तक बारिश ना हो, ताकि हम लोग जो है इसकी जीवितता को सुनिश्चित कर सकें। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसे मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल श्रावण मास जुलाई से 12 अगस्त तक रहने वाला है। डॉक्टरों के तबादले का असर अलीगढ़ में खास तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां डॉक्टरों के तबादले के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आ रही हैं। अलीगढ़ के जिला चिकित्सालय में मरीजों का तड़पना साफ तौर पर देखा जा रहा है और जिला अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं मलकांत सिंह आया था अल्ट्रासाउंड कराने। क्या हुआ? यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं और यहाँ अल्ट्रासाउंड हो नहीं पाएगा। अब बताओ हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? अल्ट्रासाउंड कराने आए थे, दर्द से रात भर दर्द के मारे बेचैन रहे हैं, दर्द बहुत हो रहा है। अब यहाँ भी डॉक्टर साहब है नहीं है। अब क्या करोगे, प्राइवेट जाओगे? भाई साहब हम तो गरीब आदमी हैं, प्राइवेट ही हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि प्राइवेट जा सकें हम। डॉक्टर साहब हमारे छुट्टी पे नहीं है, वैसे तो हमारे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र ही हो गया है। सभी परेशान घूम रहे हैं कि क्या करना है उस बारे में, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए जो है हमारे डॉक्टर साहब का कोर्ट एविडेंस है वो कोर्ट गए हुए हैं। अब ये क्यों और किसने लगाया मैं इसको दिखवाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस समय डॉक्टर साहब नहीं है और कोर्ट में है इस समय। कानपुर के महाराजपुर में प्रधानपति पर हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते कुछ दिनों पहले आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर हालत में छोड़ दिया था, जिसके बाद से वो एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं एसपी का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे पिता राजेश तिवारी प्रधानपति है, माता जी हमारी ग्राम प्रधान है सुधा तिवारी। 7 दिनांक 10 तारीख को गाँव से कानपुर अपने शहर घर की ओर लौट रहे थे। पहले से ही घात लगाए गांव के अशोक पुत्र श्यामलाल, प्रकाश व मनोज तथा राजू,
इन लोगों ने एक राय होकर सर पे धारदार हथियार से हमला किया, जिससे आग डैमेज हो गई, उनकी क्षतिग्रस्त है और बुरी तरीके जिंदगी और मौत के बीच आईसीयू में संघर्ष कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, इस घटना में पूरा सिगड़िया जिला पंचायत कमलेश निषाद वो अपराधियों की मदद कर रहे हैं खुले तौर पर। रायबरेली के सीएमएस नीता साहू का 8 दिन पहले ट्रांसफर हो गया था, इसके बाद भी सरकारी आवास को खाली नहीं किया। 2 जुलाई को उनका ट्रांसफर प्रयागराज हो गया। रायबरेली के जिला अस्पताल के नए सीएमएस महेंद्र मौर्य को बनाया गया है। महेंद्र मौर्य एक होटल में रहते हैं। महेंद्र मौर्य ने इसके लिए पत्र लिखा है। अलीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मथुरा मार्ग पर गांव सहारा खुर्द और पाताल खेड़िया के मध्य गुप्त तीर्थ स्थल की अगली ही महिमा है। और इस अलग महिमा को लेकर शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा स्थापित 3 शिवलिंग हैं। माना जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद भोलेनाथ पूरी करते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। मंदिर पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ मेले का आयोजन होता है। तो वहीं मोहनगिरी महाराज मंदिर संचालक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ये प्राचीन मंदिर है। मंदिर पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। लेकिन मंदिर की विशेषता तो बहुत है, शरीर की मन आकांक्षाओं को पूरा करता है। ये स्थान वरदान स्वयं कार्तिकेय जी के लिए शिव जी ने दिया था कि जैसे मैं काशी में विश्वेश्वर के रूप से हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ कुमारेश्वर के रूप से एक रूप में रहूँगा। और ये तारकासुर की वध स्थली भी है, और कार्तिकेय स्वामी की जो सेनापति थे, देव सेनापति स्कंद स्वामी कहते हैं, उनकी जन्म स्थली है। तो ये तो काफ़ी समय से हम तो देखते चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी देखते चले आ रहे हैं। हमने तो जैसा है वैसा ही देखा हुआ है। ये बताते हैं बड़े बूढ़े कि ये यहाँ से जमीन से निकले हुए हैं, इनकी खुदाई भी काफ़ी करा चुके हैं, पर इसका कोई पता नहीं पड़ा है कितनी गहराई तक है ये। और ये हाँ, ये यहाँ की कार्तिकेय की ये तपोभूमि है। यहाँ पे जो कार्तिकेय जी ने यहाँ पे प्रतिज्ञा की थी, ये 3 शिवलिंग हैं यहाँ पे। एक ये सब बड़ी वाली यहाँ पे, फिर उधर है, और फिर एक उधर की साइड में है। हाँ, हर सोमवार और शनिवार को तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे अभी। और वामे तुम्हारा फरवरी के महीने में काफ़ी बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि का। गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 94,000 के जाली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही एक प्रिंटर और नोट बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने नकली नोट छापने की शिक्षा YouTube से ली है। एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो नकली नोट छाप करके मार्केट में चलाता था और लोगों को कम पैसे में असली नोट लेकर के नकली नोट देता था। इससे 94,000 नकली नोट बरामद किया गया है, तथा प्रिंटर जिससे नकली नोट प्रिंट करता था, और फेविकोल वो कागज़ जो उस पर चिपकाता था, और बाकी कटर, अन्य कई सामान इससे बरामद किए गए हैं। खबर संभल ब्लॉक के गांव ततारपुर मुझार से है, जहां कनेक्शन काटने के नाम पर अवैध धन उगाही का मामला सामने आया है। बिजली घर बराही के कर्मचारी दिनेश लाइनमैन, प्रदीप विद्युत नोडल अधिकारी नितिन लाइनमैन पर बड़ा आरोप लगा है। गांव की महिलाओं का कहना है कि कनेक्शन काटने के नाम से डरा धमका कर किसी से 500 तो किसी से 200, किसी से 100 रुपए या किसी से 1,000 रुपए अवैध वसूली की जाती है। और आरोप उन पर यह भी है कि बिजली चोरी पकड़े जाने पर पैसे ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। योगी सरकार भले ही सख्ती से कदम उठा रही हो, लेकिन उन्हीं के कुछ कर्मचारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इस अवैध उगाही के मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। कितने रुपए ले गए तुमसे? 500 रुपए। क्या नाम है तुम्हारा? कस्तूरी। कौन सा गांव है? मिलक ततारपुर मजरा बटुआ। बिजली विभाग वाले? हाँ। बराही से? बराही से। हाँ। कह रहे बराही से आए हूँ। हाँ। कितने रुपए ले गए तुमसे? 2,000। कितने मांगे? मांगे तो उन्होंने 8,000। काहे की धमकी दे रहा? मतलब उसकी बत्ती बत्ती काट देंगे। हाँ, बत्ती काट देंगे तुम 24,000। अच्छा, ना तो 2,000 रुपये दो। ना 2,000 तो अपनी मर्जी से दिए। कौन आया था कल तुमसे पैसे लेने? पता चार पाँच छः जने। अच्छा, क्या कह रहे हैं तुमसे? कह रहा पैसा लाना तो काट जाएंगे, बिजली काट जाएंगे। हाँ।
फिर भी काट देंगे। अच्छा, हाथ में वो ले चल रहे पिलास। अच्छा, क्या रुपये ले गए तुमसे? 200 रुपये ले गए। मैंने तुम्हें कह दिया 200 रुपया अभी मिलता तो 200 रुपये वो चेक इन बारे बिजली विभाग वाले। हाँ, क्या कह रहे हैं तुमसे? हम पाके ले गए। अच्छा, 200 रुपये मांगे कितने हैं तुमसे? 500 मांग रहे हैं, काट देंगे। अच्छा, खबर औरैया से है, जहां अपने पिता को मृतक दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे सीएससी एरवाकटरा में तैनात युवती द्वारा करीब 1.5 वर्ष तक वेतन पाती रही। जब स्वास्थ्य विभाग को इसकी भनक लगी तो एरवाकटरा सीएससी अधीक्षक मोहित कुमार ने रघुवीर सिंह की पुत्री दीपशिखा के नाम 1 साल पहले एरवाकटरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे फर्जी दस्तावेजों के सहारे नियुक्ति पाने के मामले में वांछित चल रही युवती दीपशिखा को एरवाकटरा छिब्रामऊ रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां सीओ पिपरी प्रदीप सिंह चंदेल को रेणुकूट भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने ज्ञापन सौंपा। वहीं सावन के महीने में शहर में मीट मुर्गा मछली और अंडे की दुकानों को बंद करने को लेकर सीओ पिपरी प्रदीप सिंह चंदेल को ज्ञापन सौंपा गया। खबर लखीमपुर के सदर चौराहे गोला कोकरण नाथ से है, जहां उपजिलाधिकारी गोला के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुलदीप दीक्षित के द्वारा दूध पनीर खोए का 3 दुकानों से सैंपल लिया गया। बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम अपने दलबल के साथ मौके पर उपस्थित रहे। प्रशासन की इस कार्यवाही से नगर के मिठाई व्यापारियों में उदासीनता देखने को मिली। व्यापारियों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि भाई दूज, रक्षाबंधन, दिवाली के महापर्व पर गोला नगर के समस्त मार्गो पर धड़ल्ले से रेड़ी लगाकर मिठाई बेची जाती है, जिस पर प्रशासन गौर नहीं करता और हम लाइसेंसधारी मिठाई व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है। खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने पति के नपुंसक होने और दहेज मांगने की शिकायत पुलिस से की है, जिसमें युवती ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने इंदौर में तैनात डीएसपी ससुर सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पति से मुलाकात जीवन साथी ऐप पे हुई, थ्रू हुई। उसके बाद हमारी कोर्ट मैरिज हरदोई में हुई। कोर्ट मैरिज के बाद जब मैं अमेरिका गई और अमेरिका में मुझे प्रखर मिश्रा और उनकी बहन सब लोगों ने मिलकर काफ़ी मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया। मेरे सास ससुर भी वहाँ आए थे शादी कराने के लिए। मेरे ससुर जो हैं वो DSP हैं CID में इंदौर में, और वो अपने पद का काफ़ी मिसयूज़ कर रहे थे उस दौरान। और जब मुझे अमेरिका जाने के बाद ही पता चला कि मेरे पति जो है वो फिजिकली अनफिट है, और जिस तरह मैं कॉपरेट करके ये रिलेशन को ड्रैग करती आ रही थी, जब बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई, उन्होंने मुझे टॉर्चर करना बिल्कुल बंद नहीं किया, तो मैंने इसकी कंप्लेंट जो है वो अपने सास ससुर से की। ससुर जी ने मुझसे भद्दी भद्दी बातें करी प्रखर के ऑफिस जाने के बाद। ये बोला कि जो तुम्हें मेरे बेटे से नहीं मिल रहा है वो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि 2019 में जीवन साथी ऐप से एक प्रखर मिश्रा, इनसे इनकी बातचीत हुई और उसके बाद इनकी शादी 6/2/20 को शादी हुई। इसके बाद परिवार वाले जो है इनको प्रताड़ित करते रहे और उन्होंने 11 लाख रुपये और सोने की अंगूठी और खर्चे मांगे हैं। इस संबंध में आज उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर उचित धाराओं में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि अभियोग पंजीकृत करें और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई करें। रायबरेली पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार अवस्थी ने बताया कि 2 दिन पहले खीरो थाना क्षेत्र के गौनहरा गांव में चोरी की घटना हुई थी और मामले की जांच में सामने आया है कि चोरी की घटना को गांव के ही युवक ने अंजाम दिया है। लखीमपुर खीरी हाईवे पर रोडवेज बस के अंदर लूटकांड मामले में पुलिस ने नीली बाइक सवार 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि 3 बदमाशों ने बस में घुसकर कंडक्टर से लूटपाट की थी, जिसकी वजह से दहशत मच गई थी। तो वहीं इस लूटकांड से पुलिस गश्त की पोल खुल गई है। तो वहीं उधर घटनास्थल का IG लक्ष्मी सिंह और SP खीरी ने मुआयना किया और इस मामले में चौकी प्रभारी और पसगवा
SHO अरुण कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। सेलमैन है। क्या नाम है पेट्रोल पंप का? आदित्य फिलिंग स्टेशन। अच्छा, कितने समय की बस में जो लूट हुई है, क्या घटना है, कितने समय की है? ये 10:45 की हुई है। अच्छा, क्या हादसा हुआ है? अब इसके बारे में नहीं मालूम, जब शीशा टूटा तो हम लोग यहाँ से उठ के गए, तब देखा जब तक रोडवेज भी चली गई, जो मोटरसाइकिल थे वो भी चले गए। अच्छा, बस भरी थी यात्रियों से? हाँ, बस भरी थी। खबर गाजियाबाद से है, जहां के मोदी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम में एक व्यक्ति को पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। युवक को घायल अवस्था में परिजनों द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने थाने के बाहर शव को रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी, हमारा भैया प्रेम सिंह जी, और वो ठेकेदार के पास में काम करता था, कृष्णपाल नाम है उसका जी। कृष्णपाल किस कास्ट का? कृष्णपाल है जी, एक प्रजापति जाते है। और इसने 2 तारीख को छुट्टी कर दी थी भैया की काम पे से, और 2 तारीख को फिर फोन करके बोला कहाँ हूँ, उन्होंने कहा मैं तो घर पे सो रहा हूँ, उन्होंने कहा यहाँ पे आ जाओ फैक्ट्री में। फिर उसके बाद में पता नहीं मीट खाया क्या करा, और उसके बाद में भैया की पिटाई करके अच्छी तरह से फिर अपना आप एडमिट कर दिया, जिसमें कि भैया की रीढ़ गड्डी टूटती हुई है, 5 पसलियाँ टूट रही है और सिर पट रहा है। किन्ने मारा, किन्ने बुलाया था? ठेकेदार ने बुलाया मुझे तो। मारा किन्ने? ठेकेदार का नाम क्या? एक औरत ही। एक औरत कौन थी? गड़ी की। वाह, गड़ी की, गड़ी की औरत। ठेकेदार जानता उसे? नलाने का काम था उसका। हाँ, नलाने का काम था उसका फैक्ट्री में। ठेकेदार के संबंध में? हाँ, हमारे संबंध में, उसके में भी। उसके में भी है? ठेकेदार ने बुलाया था? हाँ, बस और कोई था वहाँ, बस ये इनके इनके संबंध में थे हम। गाजियाबाद में एक बार फिर पुलिस की मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सलीम नाम के युवक की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। जब इस बारे में एसपी सिटी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो वायरल हो रहा है, जांच की जा रही है, मामले का खुलासा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो किसी के द्वारा ट्वीट भी किया गया था। अभी वो जो पीड़ित है वो MMG में एडमिट है, वहाँ पर भी चौकी इंचार्ज को भेज करके पता कराया गया, तो पता चला कि ये ईद से 2-3 दिन पहले की बात बता रहा है, जिसमें इसके जबरदस्त नशे में था, और इसके द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस ले गई थी, और इसके साथ किसी ने मारपीट की। कौन मारपीट किया, क्या किया, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है। न तो ऐसी कोई शिकायत न चौकी पर न थाने पर आई हुई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां के मसूरी थाना क्षेत्र के गांव ढबारसी में मोपेड वाहन से गाड़ी की टक्कर लगने के बाद दो पक्षों में एक खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग मामूली रूप से चोटिल भी हुए। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर माहौल पर काबू पाया। खबर हरदोई से है, जहां के बिलग्राम थाना क्षेत्र के परसोला में मैजिक ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार देवर और भाभी घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। बिलग्राम पुलिस ने मैजिक को कब्जे में ले लिया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं ASP ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये परसोला, ये इसरापुर दवा लेने के लिए जा रहे थे दोनों, एक लड़का एक औरत। इधर से बिलग्राम से मैजिक आ रही थी, तो ये सामने से इन्होंने टक्कर मार दी। ये बिलग्राम आए CST के अस्पताल, अस्पताल के गेट पे औरत ख़त्म हो गई, और जो लड़का था उत्तम सिंह वो हरदोई अस्पताल के गेट पे ख़त्म हो गया जाके। ये थाना बिलग्राम का मामला है, इसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार एक देवर भाभी, जिनका नाम अनीता और उत्तम है, ये लोग मैदी घाट से परसोला गांव जा रहे थे, और इधर से बिलग्राम से कन्नौज एक मैजिक जा रही थी, जिससे आपस में टक्कर हो गई। पुलिस को तहरीर परिजन दे रहे हैं, उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
खबर बुलंदशहर से है, जहां अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हत्या का प्रयास करने वाले दो अपराधियों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम तिबड़ा जाने वाली सड़क से हत्या की योजना को विफल करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध असलाह और कारतूस बरामद हुए हैं। थाना बीबी नगर पर एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की योजना बनाई जा रही है। इस पर थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में दोनों अभियुक्त जिनमें से एक अभियुक्त अभिषेक पुत्र मुकेश, जो निवासी ग्राम सालाबाद जुमैडा थाना बीबी नगर का है, यह हमारे थाने का टॉप 10 एवं वांछित अभियुक्त भी था, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। एवं दूसरा अभियुक्त जिसका नाम है अरविंद उर्फ पपलू पुत्र महेंद्र, निवासी ग्राम सालाबाद, इन दोनों की गिरफ्तारी के दौरान इनसे एक एक अवैध तमंचा एवं दो दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मौके कोपागंज नगर पंचायत में हुई विस्तार के क्रम में पुराने कोपागंज को भी सम्मिलित किया गया है, लेकिन कुछ भाग हिंदुओं की आबादी छूट जाने के कारण पुराने कोपा के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और मांग की है कि हम लोगों को दूसरे वार्ड में न जोड़कर पुराने कोपागंज में ही सम्मिलित रहने दिया जाए, अगर अलग किया जाता है तो हम लोगों को बहुत सी समस्याएं होंगी। नगर पंचायत कोपागंज के अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा जो भी उनके विषय में ये ज्ञापन दिया गया है, मनोज कुमार मौर्या जी, सुनील कुमार मौर्या जी, अभय तिवारी जी, सोनू तिवारी द्वारा इस पर इस ज्ञापन को हमें स्वीकार करके यथा समय और जो भी इनका गंतव्य है वहाँ भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा। थैंक यू। बयान तो उनका जो था उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल कोपागंज के नाम से ही है, लेकिन वहाँ सच्चाई ये है, हमने जब वहाँ जा करके पता किया, वहाँ के हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है और ये पूरा खेल जो है चेयरमैन का है और ईओ, मुझको लगता है कि ईओ नहीं, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूँगा कि ऐसे अधिकारियों पर जो है नकेल कसी जाए और इनके ऊपर जांच बैठाई जाए। अभी आपको मालूम है कि अभी टाउन एरिया का जो बड़ा हुआ क्षेत्र है, पुराने कोपा ग्राम एक आया है, उस ग्राम को इसके पहले भी रहमत नगर रखा जा रहा था और इनके गांव का नाम मदीना रखा जा रहा है। वहां की जनता ने विरोध किया और मुख्यमंत्री से लेके के शर्मा तक आप हम लोग भेजे थे, तो उस कुछ तो हो गया है, कोपा कोहना वार्ड बन चुका है, लेकिन जो लोग विरोध कर उनको ही टारगेट करके इनकी आबादी को दोस्तपुरा और हकीमपुरा मिलाया जा रहा है, जिसका जनता वहां घोर विरोध कर रही है और हकीम और दोस्त हम लोग नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग एक गांव के हैं, ये पुराने कोपा, हमारा पुराने कोपा गाँव का नाम बदल के हकीमपुरा दोस्तपुरा रखा जा रहा है। यदि हम लोग का कहना यही है कि हमको पुराने कोपा ही वार्ड दिया जाए, यदि हम लोग को पुराने कोपा वार्ड नहीं दिया जा रहा है तो यदि हकीमपुरा नाम रखा जाएगा तो हम लोग अपना हकीम बदलने के लिए तैयार हैं। यदि हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग को हिंदू ही जाना चाहिए। जो पुराने कोपा नाम से यदि वर्षों से जाना जा रहा है तो हम लोग चाह रहे हैं कि यदि वर्षों से पुराने कोपा के नाम से जाना जाए तो हम और पुराने कोपा के ही नाम से जाना जाए। संभल में जेल से जमानत पर छूटकर आया आरोपियों ने दर्जनों गाड़ियों के संग जमानत का विजय जुलूस निकाला है। इस दौरान जमकर हूटर भी बजे और हुड़दंग काटा गया। वही पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि मामला कैला देवी थाना के गांव मूसापर का है। खबर देवरिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सलेमपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दो मोटरसाइकिल चालकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक चेन, कैश, दो मोबाइल और दो मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। खबर अमेठी से है, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोगों की सुबह से लगी भारी भीड़ देखने को मिली। जिले के परमहंस आचार्य सगरा बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज ने अपने शिष्यों को संदेश दिया, श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ राष्ट्र को बचाने के लिए आगे बढ़कर कार्य करने के लिए भी संदेश दिया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।